देहरादून में लगातार चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में 9 अक्टूबर को हुई कर्णावली ज्वेलरी में चोरी को लेकर पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। एक जनपद कॉम्प्लेक्स में एक सुनार की दुकान में जो है शटर तोड़कर चोरी की गई थी, उसी पे कोतवाली नगर की टीम और जितने उनके चौकी इंचार्जेस हैं उसकी टीम गठित करते हुए जो पुराने चोर जो इस पहले चोरी में प्रकाश में आ चुके हैं, साथ ही साथ वहाँ पे अन्य मुखबिरों से बात करते हुए और अगल बगल के साक्ष्यों को जुटाते हुए इसमें आगे कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, टीम बनाई गई थी। इसी क्रम में जो है कुछ हमें टाइम पीरियड मिला था कि किस टाइम पीरियड के दौरान ये चोरी की घटना हुई है और साथ ही साथ इसमें जो है कुछ पुराने लोगों के नाम भी प्रकाश में आए। पुराने चोरों को जब तस्दीक किया गया तो एक बाल अपचारी जो कि पूर्व में भी जेल जा चुका है और साथ ही साथ उसके 3 अन्य साथी जिनके की अपराध वो भी पहले जेल जा चुके हैं। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।